हेलो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा खबर। आज की नई खबर निकल कर आ चुकी है, अब सभी राज्यों का बिजली बिल होगा माफ। तो दोस्तों, बिजली बिल माफ करने की योजना शुरू कर दी गई है इस राज्य में। तो दोस्तों, अगर आपका बिजली बिल है तो अब माफ हो जाएगा बिजली बिल। और बजट पेश किया, किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल आधा करने की घोषणा की है ये। तो दोस्तों, अब बिजली का बिल आधा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, कैसे होगा आधा और कौन सी सरकार कर रही है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें एंड तक। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन जरूर ऑन करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी नई नई वीडियो का और आप देख सकें सबसे पहले। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों, इस राज्य में 9,910 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, किसान कर्ज माफी, बिजली बिल आधा करने की घोषणा। तो दोस्तों, अब कर्ज माफी और आधा बिजली बिल करने की घोषणा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा शुक्रवार को अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया। इसमें किसानों का कर्ज माफ करने और बिजली बिल आधा करने जैसी कुछ लोकलुभावा घोषणाएं की गई है। तो दोस्तों, बघेल ने कहा है कि पास वित्त विभाग की उन्होंने 2019-20 के बजट में 90,910 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है। बघेल ने राज्य के स्वराज को जनता की काली कमाई से एकीकृत समाधान बताते हुए कहा कि इसका एक एक पाई का उपयोग करना ही भलाई के लिए है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर कृषि विकास, किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग करने की घोषणा की है। किसानों के कल्याण की योजना को लिए इसमें 21,957 करोड़ रुपए का कृषि बजट पेश किया गया है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा है कि भाषण के ग्रामीण बैंक और सरकारी बैंक के बांटे गए ऋण के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों द्वारा बांटे गए लगभग 4,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा है कि इससे अब तक कुल मिलाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन कृषि ऋण की माफी होगी और इसके लगभग 20 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, बजट घोषणा में लगभग 4 लाख ऐसे श्रेणी किसान की लाभार्थी होंगे जो बकाया धन चुकाना न कर पाने के कारण बैंकों के ऋण नहीं ले पा रहे हैं और निजी साहूकार एवं सूदखोरों के कर्ज लेने के लिए विभत थे। कृषि ऋण की माफी के लिए बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में उत्पादित खाद्य एवं पारदिक फल फूल एवं सब्जी के प्रसंस्करण को उत्साहित कर किसानों के लिए अधिक आय एवं रोजगार सृजित करने के उद्देश्य के प्रावधान, 5 नए फूड पार्क प्रारंभ करने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल पोषण से मुक्ति और खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के गरीब परिवारों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किलो चावल वितरित करने का निर्णय लिया है। उनके लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के 4,000 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, बघेल ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ हाफ करने की दृष्टि से विद्युत दायरों में 400 यूनिट तक विद्युत व्यय भार पर आधी छूट का लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को देने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, अब सभी विद्युत उपभोक्ताओं को आधा बिल होने का निर्णय ले लिया है। तो दोस्तों, जनप्रतिनिधियों के उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने जवाबदेही के साथ काम करने का अवसर देने के उद्देश्य से विधायक निधि की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया। इसके लिए बजट में 182 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, अब राज्य के वन प्रणाली द्वारा जनहित होने के क्षेत्र पूर्ति की राशि 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करने का निर्णय लिया है। ये है, इसके लिए बजट में 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, अब सभी का बिजली का बिल हो जाएगा हाफ और आपको कर्ज की माफी हो जाएगी। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में समुदाय के 10-25 उप स्वास्थ्य केंद्र और जिले चिकित्सा में गरियाबंद के 100 बिस्तर अस्पताल भवनों में निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसी से आपका बिजली का बिल हो जाएगा हाफ। उन्होंने बताया कि बजट में कोई नया प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गढ़वो एवं छत्तीसगढ़ से प्रेरित सरकारी हमारी सरकार की छह दिशा शक्ति और बजट के ठोस प्रावधान को छत्तीसगढ़ के प्रगति और खुशहाली का नया अभाव प्रारंभ होगा। इससे आपका सभी के छत्तीसगढ़ वासियों का बिल हो जाएगा हाफ और किसानों का कर्ज होगा माफ। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।